भाई एक बार ना बड़ी छोटी छोटी चीजें जो रहती हैं ना आपका बहुत बड़ा काम बचा देती हैं। अब ये देखो, ये जो स्क्रू है ना यार, ये देखो, ये स्क्रू ऐसा स्क्रू है, अगर आपने लोहे की स्ट्रिप वगैरह पे इसे करना है ना, स्ट्रिप ड्रिल करना है और स्क्रू करना है, तो ये दोनों काम एक साथ कर देता है भाई। ये देखो, मैं आपको खुद बता दूं कि ये स्क्रू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूं, और मैंने घर पे इसे बहुत सारे ऐसे काम भी कर रखे हैं जिसमें ड्रिलिंग चाहिए होती है या वेल्डिंग चाहिए होती है। जैसे गेट का कुछ काम था तो मैंने उसके लिए मतलब अपने किसी वेल्डर को बुलाना पड़ता है और उनको वेल्डिंग सेट लेके आता बड़ा वाला, फिर मुझे मोटा तगड़े चार्ज भी करता, तो उससे अच्छा ऐसे मैंने स्क्रू लेकर ड्रिलिंग लेकर खुद ब खुद घर का काम कर लिया है। और बाकी आपको मैं बता दूं तो मैंने उसके साथ लॉक फिट किया था भाई, अपने घर का, अपने गेट का खुद लॉक फिट किया था ऐसे बोल्ट्स के साथ, अलग अलग लेंथ के साथ आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल है भाई। घर पे आपके जरूर होने चाहिए, सिंपल अटैचमेंट्स मिल जाती हैं इसके साथ। अटैचमेंट है भाई इसकी, अटैचमेंट इसकी अटैचमेंट अलग से मार्केट में मिल जाती है, जो कि ये हेड को कवर कर लेती है और बैक से ये ड्रिलिंग मशीन के साथ फिट हो जाती है भाई। ये देखो, ये इनके जो है प्रोडक्ट है भाई। और कंपनी आपको मैं बता दूं तो ये कुछ ऐसी कंपनी है इनकी, यूनी ग्लोबल, और ये इनका कार्ड है भाई। ये देखो, अगर किसी ने मोटा स्टॉक भी लेना हो तो वो भी ले सकता है। बाकी ये इनकी साइट आपको ये यहाँ पर मिल जाती है, और कार्ड आप इनका देख सकते हो, कुछ ऐसा इनका कार्ड आपको मिल जाता है जिसमें आप, यार नंबर मुझे लगता है डिस्प्ले नहीं होगा, चलो मैं आपको एक बार फोटो भी, अगर हो सका तो फोटो भी डाल दूंगा। ठीक है, ओके। तो भाई इनके प्रोडक्ट आप देख लो तो कुछ ऐसे आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसे आपको इसमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई टूल कंपनी का स्टॉक और बॉश कंपनी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता भाई। मेरे पीछे जो स्टॉल देख रहे हो ना आप, ये बॉश कंपनी का स्टॉल है, मगर आपको इसके पार्ट्स भी मैं दिखा दूंगा, इनके प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ भाई। चलिए भाई, सबसे पहले एंट्री पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो आपको कुछ ये इनके प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये कुछ ऐसे इनके प्रोडक्ट्स हैं, और बॉश कंपनी जो कि अपने काम में और अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती है भाई। ये देखो, ये कुछ ऐसे इसके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये प्रोडक्ट भी आपको इनके पास मिल जाता है भाई, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है भाई। ये क्या है आपको ये बता दूंगा, जो वेल्डिंग मिग वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसके प्रेशर वगैरह के लिए, तो वो इसे यूज़ करते हैं भाई, रेगुलेटर बोलते हैं इसे हम। और ये इनके ब्लोअर्स हैं, ये देखो, ये कुछ ब्लोअर है, ये ठीक है, ठीक है, ओके। और सबसे प्यारी चीज़ यार ये देखो, ये पोर्टेबल चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं यार। घर पे ले लो आप इसे, बहुत सारे आप इसे काम जो है ना, लाइट भी है इसके साथ, छोटी सी लाइट, ये देखो लक्स लेवल देखो, काफ़ी अच्छा लक्स लेवल आपको इसके साथ मिल जाता है। दिन में तो कम लग रहा है, रात को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और जैसे जैसे दबा के और ज़्यादा दबाते हो इसकी पावर जो है बढ़ती जाती है भाई। ग्रेट, ठीक है। और ये देखो, एक ये चीज़ है जो आपके किसी भाई के अगर काम आती है, तो ये देखो, ये टूल किट, और ये इसका स्पैनर टाइप है ये कुछ, और ये इसके इंस्ट्रक्शंस है भाई। ये देखो, ये किट आपको मिल जाती है इसके साथ। ठीक है, भाई कार्ड दे दो कोई, तो मैं एक बार आपको इनका कार्ड दिखा दूँ भाई। सबसे पहले तो ये देखो, ये इनका कार्ड है, किसी भी पार्ट की आपको क्वायरी हो या कोई आपने बात करनी हो तो आप डायरेक्ट इनसे आकर बात कर सकते हो भाई। तो ये था बॉश कंपनी का स्टॉल, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है भाई। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ, आपको दिखा दूँ वेलटेक इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं जो स्टॉल है उसमें, मुझे थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इसमें। जब सामने आप सिलेंडर देख रहे हो ना, कलरफुल सिलेंडर, भाई ये सिलेंडर आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भाई है ना, उन्होंने ये ऐसे सिलेंडर जरूर देख रखे भाई। वो देखो, CO2, O2, आर्गन, और ठीक है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ ये सिलेंडर जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भाई जो है ये कंपनी जो है सिलेंडर्स में काम करती है, और सबसे बड़ा सिलेंडर जो है इनका, आप ये देखो, ये है इनका सबसे बड़ा सिलेंडर, पास से दिखा दूँ तो ये देखो, ये कुछ ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। आपने अगर किसी भाई ने लेना हो तो आप इनसे दे भी सकते हो, आपको दिखा दूँ, क्रिसन इंजीनियरिंग वर्क्स कुछ ऐसा इनका बोर्ड लगा हुआ है, और ये कुछ इसके कंट्रोल्स हैं। ये देखो, ये मोस्टली हॉस्पिटल्स में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूज़ होता है, जहाँ पर आर्गन कंपनी आर्गन गैस का स्टोर कर सकते हो या फिर ऑक्सीजन का स्टोर करते हो, तो कुछ ऐसे सिलेंडर्स होते हैं भाई वो ये वाले।
और सबसे अहम बात जो है इनकी छोटे छोटे सिलेंडर्स भी हैं पोर्टेबल। ये देखो ये कुछ लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर हैं, ये देखो ये छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं, ये देखो ठीक है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है कार्ड कोई ठीक है एक कार्ड दिखा दो। तो भाई अगर आपको इनका कार्ड दिखा दूं और कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दूं, तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी भाई को किसी तरह की ज़रूरत हो तो आपको मैं आप इनसे डायरेक्ट डील कर सकते हो भाई। भाई मेरे पीछे ना एक मशीन है भाई, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा एक बार, क्योंकि मैं उसे देखकर ना थोड़ा सा खुद सरप्राइज हो गया कि इतनी बड़ी मशीन, मतलब जो मैंने छोटी छोटी मशीनें देखी थी ना इतनी बड़ी मशीन भी रहती है क्या। और चलो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो भाई आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो में आपको इसका प्रोसेस नज़र आ जाएगा कि ये कुछ इस तरह का इसका प्रोसेस है और ये ऐसे कुछ काम कर रही है। अब मैं आपको इसका जो असली वीडियो है ना, वो मशीन है ना, वो दिखाता हूँ। ये देखो ये कुछ मशीन है इसकी, और मैं आपको बता दूँ ये है CNC ऑटोमेशन, कुछ ऐसी कंपनी है जी इनका नाम है, और ये इनकी मशीन है भाई। ये देखो यार भाई साहब, मतलब इतनी बड़ी रॉड तो मैंने सबसे पहली बार तो आज देखी है यार। ये देखो कम से कम नहीं तो ये 1.5 फीट का इसका डायामीटर होगा यार कम से कम, और ये 1.5 फीट के डायामीटर पर बड़े ही आराम से कट लगा रही है भाई। ये देखो ये देखो ओके ओके ये देखो यार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, और बहुत कुछ है इंडस्ट्री में, बस हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। बाकी चलो आपको मैं दिखा दूँ, ये कुछ इनका एक विजिटिंग कार्ड है भाई, किसी को अगर किसी तरह की कोई क्वारी हो तो आप वो देख लेना। हेलो टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड। ओके भाई ऑपरेशन देख रहे हो, यह लेज़र का ऑपरेशन हो रहा है भाई। ये लेज़र मशीन जो है ऑपरेट कर रही है, और ये कुछ ये इस तरह से जो है ये बना तो दिखाई दे रहा होगा, और ये मशीन आपको दिखा दूँगा अभी। तो ये कुछ ऐसी ये मशीन है, ये कुछ ऐसा सेटअप है इसका जो कि कंप्यूटर ऑपरेट मशीन है। और आपको एक कंपनी की डिटेल दे दूँ, मार्क्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टैक्ट नंबर 9818317320। ओके, और ये इनका स्टॉल है भाई, ये मल्टीपल पार्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, जो कि आप जिस मर्जी तरह का जो है पार्ट जो है इसमें बना सकते हो। अब ये किन के लिए जरूरी है, जो आपने देखा होगा ना, जो पार्ट के ऊपर कभी कभी इंग्रेविंग की जाती है या पार्ट कोड लिखा जाता है, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसी से लिखा जाता है। ये देखिए भाई, एक ना मुझे जिंदल स्टील का एक मैंने वो देखा यार, चैम्बर देखा है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर इनके पास टोटली मेजरमेंट के रिलेटेड ही सोल्यूशन है भाई, मतलब कि जैसे हम कंडे वगैरह कह देते हैं या वेन स्केल कह लेते हैं, तो कुछ ऐसे आपको स्केल्स मिल जाते हैं इनके पास। देखो यार, और ये का साइज़ देखो आप, छोटा सा साइज़ है इनका, ये देखो इतना सा मेरे हाथ देखो, इतना सा साइज़ है। और सबसे छोटा जो इनका है ना वो ये देखो, ये है यार, ये पॉकेट के लिए सबसे प्यारी चीज़ है। ये देखो यार, और ये सारा डिजिटल है, आपको ये ऐसे मिल जाता है, ये देखो सारे ये बैटरी से चलने वाले ही हैं यहाँ पर, और सबके अंदर बैटरी होती है पावर के लिए, थोड़ी देर के लिए इनको चार्ज करना पड़ता है, मगर इसके बाद बैटरी जो है ये चार्ज हो जाती है, और ये आपको रिजल्ट देती रहती है। देखो ये कुछ रिजल्ट ये है, ये देखो ये चीज़ भी थोड़ी अलग है, इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ को। ये देखो ओके, ये देखो ओके, और ये एक नोट काउंटिंग के लिए मशीन है भाई, ये देखो जो कि काफी अच्छे साइज के साथ आ रही है, मतलब काफी बड़ा साइज है इनका भी। ये देखो आपको इनकी डिटेल्स बता दूँ, तो डिटेल में आपको इनका जो कार्ड है, आपको ये इनका कार्ड है जिंदल इंडस्ट्रीज के नाम से इनका कार्ड है, और कॉन्टैक्ट नंबर है इनका 9592166650। ठीक है भाई, और सबसे प्यारी चीज़ जो है एक ये वो
अच्छा कोई कैरी आपके पास लोड आता है जिसे आपने उठा नहीं सकते, जैसे इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब उन्हें तो आप उठा के कांटे पे रखने से रहे, तो ये कुछ ऐसे उनके साथ ऑप्शन आ जाते हैं जिससे आप टांग के उनका डायरेक्ट वेट ले सकते हो, और ये इनके हैवी ड्यूटी जो है वेइंग स्केल्स है ना जो कुछ ऐसे मिल जाते हैं।